आखिर कौन दिग्गज जीता और कौन हारा, ये बड़ा सवाल है। आमेर में कांग्रेस और भाजपा के बीच टाई। सतीश पूनिया के क्षेत्र की पंचायत समिति जालसू में बीजेपी को बहुमत, ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है। वहीं मंत्री लालचंद कटारिया के क्षेत्र में कांग्रेस बहुमत के करीब है। पावटा पंचायत समिति में भी कांग्रेस बीजेपी बराबर में है। पावटा में निर्दलीय और आरएलपी तय करेंगे प्रधान। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका में है वो निर्दलीय और आरएलपी भूमिका में दिखाई दे रहा है। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर को लगी निराशा हाथ। अब नागर को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। बहुरूपाली नागर जीती लेकिन प्रधान बनने का सपना अधूरा उनका रह गया। इस पंचायत समिति में भाजपा को बंपर बहुमत मिला। बौजमाबाद में 17 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस पर 2 पर कांग्रेस सिमटी और आरपीएस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे अनिल गोठवाल के पुत्र जीते चुनाव, ये उनके लिए भी अच्छी खबर है। माधोराजपुरा पंचायत समिति के वार्ड 5 से अभिषेक गोठवाल ने जीत दर्ज की है और इस तरह मौजूदा सीनियर आरएएस हरसहाय मीणा की पत्नी भी चुनाव जीत गई है, ये उनके लिए भी अच्छी खबर। सुनीता मीणा जमुआ रामगढ़ पंचायत समिति से निर्दलीय चुनाव जीती है और प्रधान पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही है सुनीता मीणा। अब आगे क्या होगा उस पर भी लगातार नजर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं से अच्छी खबर, कहीं से बुरी खबर है जिस पर मंथन करने की आवश्यकता है।